नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और सभी दलों ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर दी है। सभी दलों के नेता अपने अपने क्षेत्र में लोगों को लुभाने के लिए निकल चुके हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे जमुई विधानसभा सीट की और जानेंगे कि कौन से मुद्दे यहाँ की प्राथमिकता है और किस पार्टी के नेता का पलड़ा ज्यादा भारी है। जमुई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जमुई जिले में है और यह जमुई संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। आइए बात करते हैं जमुई विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास के बारे में। मौजूदा समय में विजय प्रकाश विधायक हैं। 2015 में भी राजद के प्रत्याशी होते हुए 66,577 वोट प्राप्त किए थे। वहीं उनके निकटतम उम्मीदवार की बात करें तो भाजपा से रहे थे। भाजपा से अजय प्रताप को 58,328 वोट प्राप्त हुए थे। दोनों उम्मीदवारों के बीच कुल 8,249 वोटों का अंतर रहा था। चुनावी साल 2010 के परिणामों को देखा जाए तो इस साल यहां जदयू का कब्जा हुआ था। जदयू के टिकट से अजय प्रताप विधायक रहे थे और उन्हें कुल 60,130 वोट प्राप्त हुआ था। वहीं उनके विपक्ष उम्मीदवार राजद से विजय प्रकाश हुए थे, उन्हें 35,663 वोट प्राप्त हुआ था। दोनों उम्मीदवारों के अंतर की बात करें तो विजय प्रकाश 24,467 वोटों से पीछे रह गए थे। साल 2005 के चुनावी नतीजों को देखा जाए तो इस साल यहां फरवरी माह में राजद से विजय प्रकाश विधायक हुए थे। वहीं अक्टूबर में जदयू से अभय सिंह विधायक हुए थे। हम चुनावी साल 2000 के परिणाम की बात करें तो इस सीट पर इस साल जदयू से नरेंद्र सिंह विधायक रहे थे। साल 1995 के चुनावी नतीजों को अगर देखें तो इस साल जनता दल से अर्जुन मंडल विधायक रहे थे। चुनावी साल 1990 के परिणाम की तरफ चलें तो कांग्रेस का कब्जा रहा था। कांग्रेस के टिकट से सुशील कुमार सिंह विधायक हुए थे। क्षेत्र के विकास कार्यों को देखा जाए तो पुल का फायदा लोगों को मिला है, जिससे आवागमन में सुविधा हुई है, गाँव और घरों में बिजली पहुँची है, पेयजल की आपूर्ति से जरूरतमंद लोगों को काफी राहत हुई है, भवन निर्माण और स्कूल का निर्माण कराया गया है। क्षेत्र के चुनावी मुद्दों की तरफ हम देखें तो सबसे अहम मुद्दा लोगों का पलायन है। उद्योग धंधे के अभाव की वजह से मजदूर को बाहर रुक करना पड़ रहा है। किसानों को लेकर भी कई दिक्कतें हैं। सिंचाई की गंभीर समस्या है जिनका समाधान किया जाना अनिवार्य है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए जमुई विधानसभा अब एक हॉट सीट बन गई है। जमुई विधानसभा क्षेत्र में पहले चरण में ही मतदान होना है। यहाँ से भाजपा ने श्रेयसी सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि श्रेयसी सिंह दिग्गज नेताओं में शुमार स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की बेटी हैं। वहीं महागठबंधन की तरफ से विजय प्रकाश और रालोसपा से अजय प्रताप चुनावी मैदान में हैं। यही कारण है कि यहां पे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। इन तीनों नेताओं के परिजनों का जमुई की राजनीति में जबरदस्त बैठ रहा है। आपको बता दें कि वर्तमान में इस सीट पर राजद का कब्जा है। पिछले विधानसभा चुनाव में विजय प्रकाश ने भाजपा प्रत्याशी अजय प्रताप को हराया था। जमुई सीट पर राजपूत मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। अब तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि यहाँ से कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए बिहारी न्यूज़।